हेलो गाइस, मैं अर्जुन अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन यादव ऑफिशियल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाटिंग कंप्लीट हो जाते हैं, जब आप अप्लाई कर देते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और मोनेटाइजेशन हो भी जाता है, उसके बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है। जी हां फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ भी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन और टेक्निकल वीडियो मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा, आपके जीमेल पे जिससे आपका यूट्यूब चैनल है उस पर एक मैसेज आएगा कि कंसीलिएशन योर चैनल हैज बीन एक्सेप्टेड पार्टनर प्रोग्राम, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, पहले मैसेज आएगा, चेक कर लेंगे। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है मेरा जो आया था। उसके बाद अगर आप यूट्यूब अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, चैनल के डैशबोर्ड पर जाएंगे, सबसे ऊपर दिख जाएगा कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू कैन नाउ मोनेटाइज योर वीडियो एंड एक्सेस सपोर्ट्स, ये लिखा रहेगा। या उस वही साइड में देखेंगे जो दिख रहा है स्क्रीन पर, मैं दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में भी ये दिख जाएगा, वेलकम टू यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। ये तो एक बात है, और क्या चेक करेंगे, दो चीजों से पता चल जाएगा। दूसरा तीसरा बात बताए, जैसे आप अपने मोनेटाइजेशन सेक्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पर जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है मोनेटाइजेशन, जैसे क्लिक करेंगे तो वहां आपको ऐसे जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे आपको दिखने लगेगा, वहां पे आपका जो एडसेंस अकाउंट दिखने लगेगा, एग्रीमेंट दिखने लगेगा, और यहाँ पे एक और लिखा रहेगा लीव यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है, गलती से भी आपको जो लिखा हुआ लीव यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम यहाँ प्रोसेस नहीं कर देना है। अगर यहाँ प्रोसेस कर देंगे आपका तुरंत ही चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। जी हाँ, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि कितने लोगों को पता नहीं रहता, ये सोचते कोई नई सेटिंग है, इसको क्लिक करके देखते हैं और उसी समय आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, इसकी चीज समझ लीजिए बारीकी से। आपने अगर कर दिया, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है, 4000 वाटिंग कंप्लीट है, करने के बाद भी तब तो दोबारा मोनेटाइज हो जाएगा, पर आपका वो कम पड़ जाता है दोनों चीज में कुछ भी, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाटिंग नहीं होता। इसी को ध्यान रखें। अब मैं चलता हूं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डायरेक्टली कैसे पता चलता है कि हमें कैसा एड लगाना है, कौन कौन सा एड लगाना है, बारीकी समझिएगा। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप मोबाइल से यूट्यूब चला रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपको सारी वीडियो पे एक एक करके एड लगाने पड़ेंगे, और वही अगर आप लैपटॉप से, अगर सिस्टम से काम करते हैं यूट्यूब पर, तो आप तो एक ही बार में एक क्लिक से ही सारे वीडियो पर एड लगा सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ एड कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जिस वीडियो पर आपको एड लगाना, जहाँ देखेंगे ये डॉलर है कटा हुआ है, मतलब इस पर एड नहीं चल रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेंसिल का आइकन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, पहले जो बात बताऊँ, पहले कहाँ जैसे मोनेटाइजेशन का कौन सा ऑप्शन आता था, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लिख रहा है, फिर एडवांस, एडवांस का साइड में आता था मोनेटाइजेशन, मतलब एड लगाने के लिए। पर अब आप देखेंगे वो नीचे आ चुका है यहाँ पर, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे लिख रहा है मोनेटाइजेशन, इसको ऑफ है अभी, इसको ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन करके अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से एड लगाने हैं, ओवरले एड्स लगाना है, स्पॉन्सर लगाना है, स्किपेबल एड लगाना है, और नॉन स्किपेबल एड तब लगाइएगा जब आपके वीडियो पे 1000 2000 3000 अच्छे से व्यूज आते हो। अगर अभी लगा लेंगे तो चैनल पर गूगल एडसेंस का सीटीआर हाई हो जाएगा और चैनल डीमोनेटाइज होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए अभी 3 एड हमेशा लगाइए सारे वीडियो पे, अगर आपके 50 100 200 व्यूज आते हैं तो। ऐसे करके एक एक करके सब पे आप वीडियो पे एड लगा सकते हैं, सारे वीडियो पे ऐसे एड लगाना है एक एक करके। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इस पे देखिए, इस पे लग गया, ऑन लिख दिया मोनेटाइजेशन, अब डॉलर का चिन्ह आ गया, ऑन भी लिख दिया है, तो ये ऑन हो गया। ऐसे करके आप सारी वीडियो पे एक एक करके सारे एड लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।